शंकराचार्य मठस्य पद्मपादं हस्तामरं दूरगं वार्तिककारणज्ञान् अस्मान् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि स्मृति स्मृति पुराणानां मालयम् भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवपादरायणं सूत्रभाष्यद्वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो संबंधित कोई विषय का संकल्प नहीं है, यह हो गया अमन या अमन का देने का। दूसरा उपाय बताया योग दर्शन के माध्यम से, जो मन के निरोध के माध्यम से तत्व साक्षात्कार करना, विरोध के माध्यम से मन मन को निरोध करना इतना असंभव नहीं है। उसके लिए पहले साधना कर दिया, उत्से को उदधे यदवत कुशाग्रण एक बिंदुना मनुष्य भवे अपरिचय है ना। यह अध्यावसाय चाहिए और निश्चय चाहिए कि नहीं मैं करूँ कैसे, जब मैं नहीं करूँगा समुद्र को सुखाना असंभव है। दृष्टांत तो वो दिया कि समुद्र को सुखाने के लिए जितना मानसिक बल चाहिए उतना मानसिक बल के साथ ही मन को आप रोक सकें। फिर उसके बाद अपने आप उसको रोकने के लिए कुछ उपाय बताते हैं कैसे आप इसको रोक सकते हैं, मन को कैसे रोक सकते हैं। उपाय यही है कि विचार दृष्टि खोलना पड़ेगा, विचार दृष्टि खोलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कल 42 को पढ़ लिए थे कल है ना, उपाय निर्णया विक्षिप्त काम हो गया है ना। उपाय उपाय के द्वारा कोई एक टेक्निक बताएंगे आप है ना, जिसके द्वारा क्या है ये भोग वस्तु की चिंता आप भोग करने की इच्छा, इसके लिए जो मन में विक्षेप उत्पन्न होता है उसको आप कैसे निराकरण कर सकते, ठीक है ना। उसको निराकरण तो सिखाया, फिर उसके बाद मन को जब आपने शांत किया, मन जो अन्य अभ्यास के अनुसार सो जाता है, मन दो ही काम करता है, या तो उछल कूद करता रहता है या सो जाता है, भगवान चिंता तो नहीं करता। अब आपको भगवान की चिंता में लगाना है तो आपको दोनों जगह से रोकना है, इसीलिए आप बोलते हैं
उपाय निर्णयात विक्षिप्तम काम हो गया शुभ प्रसन्न लय चेत, है ना। जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में मन जब शांत हो जाता है, संप्रसाद बोलते हैं इसको, संभव प्रसिद्धि अस्मृति संप्रसाद सता संग तदा संपन्न भवति सत्य सा एक होकर समीत भगवती ऐसे संप्रसाद। इस अवस्था में फिर मन को क्यों विचित्र करने का कि मन को फिर जब बोलते कि ये मैं सोया हुआ मन भी तत्व साक्षात्कार के लिए प्रतिबंध बन जाना, इसे इसको जगा के रखना पड़ता है। यथा काम लयस्तथा जैसे काम भोग की इच्छा भोग को वस्तु की इच्छा हमारे मन तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंध बन जाता है, इस प्रकार सोया हुआ मन भी तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंध होगा। हमारी बुद्धि के द्वारा मन के ऊपर हमेशा जागरूक पुष्टि करना चाहिए हमेशा। इसलिए ये भगवत गीता के श्लोक है ना, उद्धारे आत्मना आत्मनमस्कार आत्मा ही वही आत्मा मतलब यदि आपका विवेक पूर्वक मन जीवात्मा को शिवात्मा को प्राप्त करने के लिए उसका बंधु मृत्यु जल है, और वही मन को यदि हम निग्रह नहीं करते हैं वही शक्ति को जरा काम करते हैं। बोलते दूसरा श्लोक क्या होता है, बंधु आत्मा आत्मान ये आत्मा ही व आत्मना जी अनात्मनस्थ शत्रु के वर्तते आत्मिक शत्रु का वो आत्मा मतलब वो अंतकरण कार्यकरण संघात आपको कार्यकरण संघात से पीछा छुड़ाने में कार्यकरण संघात मदद करेगा जो कार्यकरण संघात संयमित है। अब यदि कार्यकरण संघात के ऊपर आपका संयम नहीं है वो आपका शत्रु के द्वारा काम करेगा बार 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 संस्कार। क्या बोल के आया था उपाय इसको निग्रह करना चाहिए, इस श्लोक को पढ़ा था 43 दोबारा पढ़ेगा अपने जीवन के अनुभव के ऊपर दृष्टि डालो, अपने जीवन के अनुभव के ऊपर दृष्टि डालो, अनुस्मृत्य बार बार स्मरण करो, बार बार स्मरण करो। क्या आज तक हमने जीवन में जो भी कोई वस्तु अपनाया एक मतलब भगवान के नाम को छोड़ वो क्या हमारे लिए सुखदायक हुआ, यदि हुई होती इतना दुष्ट वस्तु का आप पता ही नहीं। परंतु किसी व्यक्ति को किसी को कुछ करके नहीं उसमें का कमरा भर जाता है, व्यक्ति भर जाता है, नाती पोता से भर जाता है, फिर भी बचा दुखी है, कोई देखने वाला भी नहीं होता, पूछने वाला भी नहीं होता, अपने आप ही दुखी हो जाता है। हाँ ऐसा परिवार लेके क्या आपके महाराज बताओ ऐसे परिवार आपसे ही पूछेंगे हम आपको कब बोला कि ये लाभदायक है, फल देखो हमारे हम देख पूछते हैं एक पे दुखम सर्वम अनुस्मृत ये सारा संसार मुख्य रूप से दुखम सर्वम विवेक विवेकी व्यक्ति को सारा सांसारिक वस्तु का दुख नहीं करता। इसीलिए इसको चिंतन करें काम भोगान निवर्तये विषय में दोष दर्शन और मृत्यु चिंता ये दोनों वैदा तो सबसे अच्छा होता है। एक विषय में दोष दर्शन मतलब कोई भी वस्तु जब हमारे पास नहीं है तभी हम दुखी हैं, अब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो आयास करना पड़ेगा हम दुखी रहेंगे। ठीक है भाई आपने मेहनत करके कुछ पैसा कमाए उस वस्तु के कट गया जीवन में चाहे मकान भी कुछ भी हो जो आपने बनाया, परंतु तब क्या हो जाएगा उसका रक्षा कैसे मिला जाओ उस थोड़ी देर के लिए सूख जाओ मिल गया तुरंत मन में चिंता घुस जाता है उसका रक्षा कैसे हो। फिर भोग करेंगे तो व्यवहार करते करते कोई वस्तु क्षय होगा कोई नाश होगा आप उसको फिर उसका मेंटेनेंस का दुख और निश्चित है चाहे वो वस्तु को आपको छोड़ना पड़ेगा अथवा वस्तु आपको छोड़ के जाएगा दोनों में से कोई ना एक वेग होगा ही होगा। तो सभी अवस्था में विवेकी व्यक्ति को दिखाई देता है ये विषय में दोष चिंतन के फलस्वरूप ये विवेकी व्यक्ति को दिखाई देता है ये विषय तो दुखदायी है। सेकेंड इज जो भी कुछ हम अपनाएंगे गारंटी नहीं है बाजार से घर तक लाते लाते ही मैं ठीक कानूनों तक ला पाऊँगी नहीं ला पाऊँ रास्ते में कहीं 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 हो जाऊंगी। ये जो मृत्यु चिंता तो सबसे अच्छा है कि किसी भी वस्तु की मुझे ठीक है वस्तु अपने हिसाब से जो है आपको प्रारब्ध है जो भी कुछ है परंतु निश्चय रहना है
इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किस समय शरीर छूट जाए इसका क्या दोष है। मृत्यु चिंता जो है कि बहुत ही एक मतलब वैराग्य को बना के रखने के लिए मृत्यु चिंता इसकी वस्तु आसक्ति नहीं होना। ये दोनों दुख हम सर्वस्कृत काम भोगात जीवन कहते हैं ना, ये काम मतलब क्या हो गया भोग वस्तु की चिंता, और भोग हो गया भोग वस्तु को प्राप्त करने में उसका भोग है ना। इसलिए बोलते हैं दुख हम सर्वस्कृत योग दर्शन ने कहा परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच दुख में सर्वे। इसका परिणाम परिणति भी दुखदायक है और उसको जो है जब तक पांच प्रकार के विषय में जो ताप देने वाला है और संस्कार को बदलते हैं। जितना हम विषय भोग करेंगे उतना विषय जन्मान के लिए संस्कार की इच्छा से करते हैं और उसकी इच्छा को बढ़ाते हैं, नया नया क्रम उत्पन्न करते हैं। इसलिए गुणवृत्ति विरोधाक्ष हम गुणातीत होना चाहते हैं और भोग इच्छा हमको रजो और तमो को नहीं होना चाहते, इसलिए उसकी गुणातीत हम संभव नहीं होना चाहते। इसलिए दुख में आएगा उसको उस भाग्य को पर आपका हाथ नहीं है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं परंतु जिस भगवान ने जो इसको लिख दिया उसको हम नहीं बोलते, हम कहीं भी जाएंगे साथ में रहेंगे। इसलिए उसको मन में रख करके कि भाग्य जितना लिखा है वो हमको मिलेगा क्योंकि उसके लिए भी आसक्ति नहीं, जितना सुख है दुख भगवान ने लिख दिया सामने है तो उसको भगवान ने पा करेंगे ठीक है। इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ के निश्चिंत होकर के जो है अपना जो भी अविष्ट लक्ष्य है उसके प्रति आगे हो गया आपका वैराग्य। दुखम सर्वम अनुस्मृत काम होगा निवर्त है और वैराग्य के साथ क्या चाहिए था आपका बोध है। वैराग्य बोध पुरुष पक्षुगत विज्ञान ही विचक्षण अंतर एक चीजों को पूर्णने के लिए जैसे दो अंक चाहिए इसी प्रकार मुक्ति रूपी महाशोध सबसे ऊपर तल में पूर्णने के लिए आपको दो चीज चाहिए, दो पंक्तियां हैं वैराग्य और बोध है। वैराग्य वैराग्य को पहले दिखाया दुख पर जागरण पे वैराग्य को दिखाया और बोध दिखाया गया अयम सर्वम अनुस्मृत जातम नैव विपश्यति। अरे सृष्टि होना है मेरी विवेक मतलब ज्ञान की विचार ज्ञान अभ्यास बोलते हैं इसको बोध अथवा ज्ञान अभ्यास बार बार विचार करने के लिए समझ प्रतीति हो रहा है अधिष्ठान के रूप में इस प्रकार प्रतीति होने परिणाम होना तो संभव नहीं है। जो असंग नहीं अव्यपूर्ण व्यापक वस्तु है वहाँ पर जो परिणाम होना संभव नहीं है तो भ्रांति से इसकी प्रतीति हो रही है क्योंकि मैं माया फिर धीरे 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 विचार करते करते प्रतीति तो रहेगी परंतु क्या सत्यत्व बुद्धि नहीं है। इसलिए अजम सर्वम अनुस्मृत्य दोनों जगह पर देखिए कॉमन वर्ड क्या है अनुस्मृत्य मतलब इसको बार 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 अभ्यास करना जन्म कुछ हुआ ही नहीं जन्म होना संभव ही नहीं सृष्टि होना संभव नहीं है ये माया सृष्टि अनित असुखम लोकम पक्ष पर सृष्टिकर्ता स्वयं ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए इसको बार अनुस्मृत बार बार इसका अनुस्मरण करके जातव नहीं बनू दृश्य है ना उत्पन्न हुआ नहीं दूर में आपको तालाब दिखाई दे रहा है वहाँ पर तालाब नहीं है ये प्रकृति मात्र ऐसा निश्चय है ये जो है हमको क्या इसके लिए उपाय बताइए मन को अमर करने का उपाय बताए हम उचित को एकाग्र करने के लिए उपाय बताया हुआ। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी है ना दुखम सर्वम अनुस्मृत काम भोगा निवर्त है ठीक है। एक नंबर टिप्पणी है दुख व्यक्ति सर्वम दैत जातम अविद्या प्रत्युपस्थापितम दुखम एवं अनुस्मृत ठीक है ना। जितना भी दैत प्रपंच दिखाई दे रहा है भेद अज्ञान के कारण दिखाई पड़ रहा है एकत्र ज्ञान की महिमा है एकत्र दृष्टि ज्ञान की महिमा है भेद अज्ञान की महिमा है भेद अज्ञान की महिमा है। पहले जमाने में देखना कि पारिवारिक जीवन वेदांत तो कैसे पारिवारिक जीवन में पुराने लोग होते थे उस सब चाचा भाई सब एकट्ठा मिलकर रहते थे और एकत्र बहुत लोग खुश रहते थे। आजकल देखो अज्ञान की मात्रा मतलब भोग भिक्षा लोगों की बढ़ रहे हैं इसलिए टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था नहीं व्यवहारिक जगत में अगर देखना है इस चीज़ को आप अपने इस लेवल में अपने बचपन को अथवा आप एक पीढ़ी पहले देखिए यहाँ पे चाचा फिर है ताऊ उनके बच्चे सब एक साथ मिलकर के गिलना मुन्ना मासी मौसा सब मिलकर के रहते थे एक ही गाँव में और आज का ध्यान सब अलग है और उस एकत्र बोध के कारण था हम सब एक ही परिवार के हैं परंतु क्या होता था लोग सुखी रहते थे आनंद में रहते थे और एक दूसरे का दुख सुख को बांटते थे। आजकल क्या परिवार टूटा टूटा इसलिए उसका दुख बढ़ना है परेशानी बढ़ रहा है बीमारियाँ बढ़ रही है यही कारण हमारा जो टेंशन रहता है ना हमेशा बीमारियाँ बढ़ती है हमेशा टेंशन रहता है क्या हो
ये जो है वेदांत तो एक ऐसी चीज है व्यवहारिक जगत में भी बहुत उपयोगी है। अब घृण अन्यथा कहीं विशेष करके कहीं भी कुछ परेशानी हो रहा है यथार्थ जो क्या चीज़ है उसको देखने का कोशिश करो, चाहे अपने अंदर हो चाहे वास्तविक बाहर की कोई वस्तु, तब देखना अब ग्रहण यदि नहीं रहेगा तो अन्यथा ग्रहण चला जाएगा, तो अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ ठीक हो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट प्रॉपरली देन देयर विल नो मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, परंतु उसको नहीं समझते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, फिर आप मानवीय कार्य का ये जो चीज जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव की मन को, इसलिए सर्वदैत जातम अविद्या प्रत्युपस्थापित, जितना भेद दिखाई पड़ता है वो अज्ञान का ही महिमा है। दुख में भारी जो भेद ही दुख का कारण होता है, भेद ही दुख का कारण होता है। दुख में वैदि अनुस्मृत्य, इसको बार बार स्मरण करके नारद ऋषि को इसीलिए हमारे शरद कुमार बोलते हैं जो वही भूमा तत् सुखम नारद सुखम अस्ति तद अल्पम तद मर्तम तद विकारी, इसलिए वहाँ पे जो है सुख नहीं होगा न अल्प सुखम अस्ति, है ना, अल्प में परिच्छिन्नता में है ना सुख नहीं है, परिच्छिन्नता में दुखी दुख है। अतः जब अल्पम तद मर्तम जो परिच्छिन्न होता है ना मरणशील होता है विकारी होता है नाशवान होता है, इसीलिए वो हे होता है वो ग्रहण उपादेय नहीं होता, मर्तम तद दुख हो दुखदायक है इत्यादि स्तुति अर्थम, इस प्रकार स्तुति के विषय को आचार्य उपदेशम आचार्य के मुँह से सुन करके अनुपर्यालक्ष्य बार बार पहला ये अनुशब्द का दो अर्थ होता है, मतलब अर्थ है पश्चात और टू रिपीट, तो यहाँ पे दोनों अलग हुए, आचार्य से मुँह से ठीक से वेदांत वाक्य को समझ करके और बार 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 उसको स्मरण कर आचार्य उपदेशम अनुपर्यालोच्य, वहाँ पर जो मतलब काम और भो काम्यते इति कामा, जिस वस्तु को चाह जाता है वही वो काम वस्तु होता है, काम्यते इति कामा जिसको मांग करते हैं उसको कामान चिंतमान अवस्था परिणाम, कामान मतलब है इस समय विषय को लेकर के चिंतन करते हैं, ये नहीं जाए होगा ऐसा होना जैसा होगा ये जो भाग होते हैं नहीं होते, चिंतमान अवस्था परिणाम भोगान, चिंतमान अवस्था को प्राप्त किया है मन हो गया कामान, और भोगान क्या हो गया भुज्यमान अवस्था परिणाम से, और वो भोग वस्तु आ गया आपके पास, किसी को देखो हमारे चैतन्य उपनिषद ने प्रियो मोद और प्रमोद तीन मनों की वृत्ति बताए, अपनी अभिष्ट वस्तु को देखने से मन में एक जो वृत्ति जो प्रियो वृत्ति है वो प्राप्त होने से जो वृत्ति है वो मोद वृत्ति है, उसको भोग करने से वृत्ति होता है वो प्रमोद वृत्ति है ना, इस प्रकार बताइए मन की मनोवृत्ति को लेकर के बोलते हैं ये भोगान बुझमान अवस्था परिणाम से विषयान विषयों को विषय निवर्तये, उसको हटा विषय को हटा दो, कहाँ से हटा दो मनुष्य सकाशा, देखिए एक द्वितीय एक पंचमी ध्यान देना मनुष्य पंचमी है, और किसको हटाने के लिए बोलते हैं भोग्य वस्तु और भोग्य वस्तु संबंधित चिंता, भोग्य वस्तु भोग्य वस्तु संबंधित चिंता मन से हटा दो मनुष्य सकाशा एक फर्स्ट के, है ना, दूसरा बोलते हैं स्थिति शेषा ये आगे वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, मतलब दुख हम सर्व मनुष्य का आगे हटा उसको कामाश्च भोगाश्च काम भोगम, इधर का द्वंद्व समास करके काम को वस्तु और भोग को काम और काम के बाद भोग को वस्तु और भोग को वस्तु के जो जो भोग तस्मात मनोनिवर्तन, इसको पंचमी कर दिया, भोग की इच्छा से मन को हटाओ, भोग की इच्छा से मन को हटाओ और मन से भोग को वस्तु के चिंतन को हटाओ, समझ में आया, मन से भोग को वस्तु मन से मनुष्य सकाशात मन से कामान भोगान निवर्त है द्वितीय बहुवचन, भोग को वस्तु की काम्य वस्तु की चिंता को मन से हटाओ और काम और भोग से मन को दूर रखो, है ना, कामश्च भोगश्च काम भोग तस्मात मतलब ताभ्याम उन दोनों से मनो निवर्त है तब मन को हटाओ, एक पंचमी एक द्वितीय भोग वस्तु और काम वस्तु अनेक है इसलिए बहुवचन में प्रयोग किया, मन एक है इसलिए मन मन को पंचम है, इसमें जब मन को हटा मतलब इस प्रकार दोनों इन जिस प्रकार हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ है वो यहाँ है, इसी प्रकार जल के इसका अर्थ क्या हो गया जन्मांतरीय संस्कार से चित्त भूमि में जो भोग वस्तु संबंधित विचार है उसको मन से हटाने का कोशिश करो, उसको मन से हटाने देखो भोग वस्तु आपको दोबारा जन्म देगा, है ना, चित्त भूमि जैसे जैसा भोग संस्कार है तद अनुकूल भिन्नता को अच्छी तरह से समझना है, क्यों दोनों बार बोल रहे थे पूरी तरह से, क्योंकि इंद्रिय इंद्रिय परा ही अर्थ था, इंद्रियों से विषय सूक्ष्म है
इंद्रिय से विषय सूक्ष्म है। कौन सा विषय? जो विषय के संस्कार अंदर गया हुआ है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये बुद्धि जो विषय रूप में अंदर गया हुआ है, उन निपुण प्रतिकूलता अनुकूलता बुद्धि को मन से निकाल दो। ये फर्स्ट अर्थ होंगे। अब नया भोग जो आपके प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है, उस भोग से मन को अलग रखो, नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं। ये टिप्पणी बहुत मतलब समझने की बात है। क्यों ऐसा दो बार बोल रहे हैं? दो चीज है, एक जन्मांतर संस्कार के भोग की इच्छा जो मन में बैठा हुआ है वो वृत्ति को ऊपर ध्यान दे, और भोग इच्छा आते ही उससे उसको अलग कर दो, भोग इच्छा को बंद कर दो। नया भोग कुछ आ रहा है सामने, उससे मन बना, नया तो अंदर जाने का, अंदर जाने का। किस प्रकार से यहाँ पे क्या बोला, दुखम सर्व मनुष्य मित्र, क्योंकि मैंने आज का जितना वस्तु को लाया वो हमारे लिए क्या छूट गया, इससे क्या लाभ होगा, इसको रख करके बाद में दुखी होना होगा, चलो पहले से वैसे ही पड़ा। ये जो नहीं आते, ये दोनों को समझना है, एक को जन्मांतर संस्कार से सूक्ष्म विषय को लेकर के बोल रहे हैं, और एक है नया स्थूल भोग को वस्तु दिखाई दे रहा है, उस समान को अलग रखो। क्योंकि पहले ऐसा करके देखा हमने, क्या देखा, वो संस्कार अंदर जाकर के मेरे को दुख में फंसाया, दुख फंसा, इसलिए कामश्च भोगश्च काम भोगम तस्मात् मनो निवर्तये इति वा। ठीक है ना, दो प्रकार से किया, पहले मन को पंचमी बनाया और भोग को वस्तु को द्वितीय बनाया, और बाद में भोग को वस्तु को पंचमी बनाया, मन को द्वितीय बनाया, है ना। एक हो गया जन्मांतर संस्कार, एक नए भोग वस्तु, ये दोनों अर्थों को लेकर के। एवं द्वैत स्मरण कार्य वैरत्व भावना उपाय, ये जो पहला दुखम सर्व अनुस्मृत काम भोगात्मिवर्त है, इसके अंदर पाप रखो अभिप्रेत अर्थ का तात्पर्य क्या है, जैसे ही भोग की इच्छा हो तुरंत वैरत्व को जागृत करें, इससे कुछ लाभ नहीं है। या भोग वस्तु क्या करते हैं, हमारे तेज वीर जो सामर्थ्य बुद्धि सब कुछ है करते हैं, भोग क्या करते हैं, हमारे विश्व को खो देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एवं द्वैत स्मरण काले वैराग्य भावना, जिस समय द्वैत बुद्धि मन में आए उस समय वैराग्य भावना के द्वारा उस द्वैत भाव को मन से मिटा दे, तो पहला उपाय होता है। ठीक है ना, एवं द्वैत स्मरण काले जहाँ कहीं भेद दिखाई पड़ता है, फिर भेद के साथ साथ तुरंत क्या होता है, एक अच्छा बुरा बुद्धि भी उत्पन्न होता है, उसी समय क्या करना है, वैराग्य इस वर्ष को मन के कोई जरूरी नहीं, इस प्रकार से यही उपाय है। द्वैत विस्मरणम उपरण उपाय, देखिए फर्स्ट उपाय क्या है कि द्वैत को मन से हटा, इस प्रकार हटाते हटाते क्या हो जाएगा, द्वैत संबंध की चिंता ही मन में नहीं है, जगत संबंधित कोई चिंता ही मन में नहीं, क्योंकि कितना अभ्यास किए हम तब इतना स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, ऐसे स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। एवं द्वैत स्मरण कार्य वैराग्य भावना उपाय, द्वैत विस्मरण तो परम उपाय, ये जो मतलब टिप्पणी करना विश्व उनको जो प्रेम पूर्ण आश्रम है बॉम्बे में, यदि ऐसा कभी पाप उदय होगा तो हम जाना पड़ेगा, तो यदि भाग्यों में ऐसा कभी पाप उदय होगा तो हम जाना पड़ेगा, क्या भैया हाँ होगा मत में बताइए, तो सत्संग के लिए बोल रहे थे, कहीं किसी का छोटे कहीं किसी के छोटे अंतिम समय शरीर से लायक नहीं रहा, और शरीर में समर्थ रहते रहते मनुष्य पर भी छोटे, मनुष्य पर भी छोटे, बस इतना दिन हो गया नहीं गई भगवान महाराज सब संग कि द्वैत विस्मरण, द्वैत विस्मरण तो परम उपाय, द्वैत समय चिंता यदि आह जो अजम शरीर की द्वैत विस्मरण हो जाना मतलब क्या हो जाएगा, कि विवेक पूर्वक चिंतन करते करते जब उसका सत्य नहीं है, हमने स्वप्न देखा था, अब सपने पर तो जो कोई लाभ नहीं है उसको स्मरण ही नहीं करना, ये हो गया ज्ञान अभ्यास, ये हो गया ज्ञान अभ्यास, पहले वैराग्य को फिर ज्ञान वो, है ना, इसलिए बोलते हैं द्वैत विस्मरण तो परम उपाय, अजम सर्व मनुष्य ब्रह्म सर्वम न तत्र अतिरिक्तम किंचित अस्ति, सर्वम कलिदम ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न का संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है, ये तो नाम रूप में उसके ऊपर प्रतीति मात्र, ब्रह्म सर्वम न तत्र पुरुष एव इदम विश्व आत्मैव इदम सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम सर्वम कलिदम, जितना आपको सुखी बात है, इसलिए बोलते हैं
ब्रह्म सर्वं न ततो अतिरिक्तं किंचित् अस्ति इति शास्त्र आचार्य उपदेशात। यहाँ भी देखिए वही चाहिए, शास्त्रवाद को आचार्य को मुख से पहले सुनना है, शास्त्रवाद को आचार्य के मुख से पहले सुनना है। और वैसे आचार्य जो परंपरा से पढ़ा हो वो अच्छा है, तब क्या होता है परंपरागत ज्ञान जो आया हमारे पास वो आपके अंदर, ये परंपरागत ज्ञान है, इसको इस धारा को बना के रखना हमारे कर्तव्य। कर्तव्य मतलब ये नहीं कि अब हमारा भगवान ठीक है जब तक हमारे लिए इसको लेकर के बाजार में मार्केटिंग करने का वस्तु भी ये नहीं है, मार्केटिंग करने का वस्तु भी नहीं है, तब तो कोई अश्रद्धा पूर्वक आता है तब उनको बोलने का भी जिम्मेदारी है। मुंडक उपनिषद वहाँ पे मुंडक उपनिषद परीक्षा लोग उसके बाद बड़ा श्लोक है, तस्मय सविद्या अनुपसंत है सम्मत संत चित्त समन्वित तत्व चित्त अक्षरम वदे तो उसको बाद उसको बोलना चाहिए, है ना। इस प्रकार आए हुए व्यक्ति के पास गुरु का जिम्मेदारी होता है उनको बोलना, निषेध नहीं करना है। परीक्षा दे सकते हैं, शिष्य भी गुरु का परीक्षा दे, गुरु भी शिष्य का परीक्षा दे, पास हो जाता है तब जब रात को जैसे नची कहता को पूरा खोल करके बोलना है, ऐसा बोलना पड़ता है उसके बाद नहीं नहीं बोलूँगा नहीं बोल सकते। यहाँ पे यही बोलते हैं कि द्वैत विस्मरण तो परम उपाय अजम ब्रह्म सर्वम न तत्वि शास्त्र आचार्य उपदेशात अनुस्मृत मतलब पर्यालोच्य तद विपरीतम द्वैत जात न पश्यति एव अधिष्ठाने ज्ञाते कल्पितस्य कल्पितस्य अभावादी। ये न्याय दिखाएगा हमको क्योंकि उसका विपरीत द्वैत या तो न पश्यति मतलब वो जो शास्त्र आचार्य उपदेश का विपरीत जो द्वैत प्रपंच जो दिखाई दे रहा है उसका पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है, न पश्यति उसको देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि अधिष्ठाने ज्ञाते कल्पितस्य अभावात, अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अधिष्ठान के ऊपर कल्पित वस्तु का अपने आप ही अभाव हो जाता है। ये अभिप्राय पूर्व उपाय अपेक्षया वैलक्षण्य सूचनार्थस्तु शब्द इति अस्मत् गुरुचरण आशंकलित अर्थ। यहाँ देखिए द्वैत विस्मरणम तु इति पद दिया हुआ है, वैराग्य से भी थोड़ा विलक्षण है इसमें, वैराग्य को विचार करने के बाद तब यह आएगा, उससे थोड़ा विलक्षण है, द्वैत संबंधी चिंता ही मन में नहीं होता। इतना लिखने के बाद क्या सुंदर शब्द लिखते हैं, गुरुचरण के गुरु जी के पास बैठ करके पढ़ने से विचार करने के बाद जो अपने निष्कर्ष रहेगा वो मैं लिख रहा हूँ बोलते लिखे। तो पूर्व उपाय अपेक्षा वैलक्षण सूचनार्थ अस्तु शब्द ठीक है, इस प्रकार से अस्मद गुरुचरण आशंकलित अर्थ है ना, हमारे गुरुचरणों की द्वारा जिस अर्थ को संकलित किया गया है मतलब अभिप्राय तात्पर्य को कहा गया उसी को हमने लिखा है, उसे हमने लिखा है ना, गुरु जी के साथ बैठ करके विचार करके गुरु जी ने पहुँचा दुखम सर्व अनुस्मित आम भगवान ने बट इसको बस को भी जो अर्थ को संक्षेप टिप्पणी करना चाहिए। अब जो है टीका में आ जाइए, टीकाकार क्या बोलते हैं उपाय न निघ्नयादिति उत्तम। इसके पहले श्लोक में मन को तारिकाकार बोलते हैं मन को निर्घन का उपाय है, ये जो कह कर कहें तम एव उपायम उसका उपाय को यहाँ पे आपने क्या वैराग्यम वैराग्य रूप उपदिशति। उपाय क्या है वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं, अब वैराग्य को पराकाष्ठ में पहुंचने के लिए क्या उपाय है वो कहने जा रहे हैं, वो कहने जा रहे हैं। जैसे हमारे योग दर्शन में भी है ना कि दिष्ट अनुस्वाभिक विषय के दृष्णस्य वशीकार संग्रह वैराग्य, जो भी सामने वस्तु दिखाई दे रहा है और शास्त्र से भी जो कुछ सुना हो दिष्ट अनुस्वाभिक विषय सभी विषय से मन वितृष्ण हो गया, विगत कृष्ण उसकी जो भाव विगत कृष्णा वितृष्णा और वैतृष्ण मतलब उसका भाव वो मन में होना चाहिए। तो कहते हैं वशीकार संग्रह वैराग्य यतमान वैराग्य एकेंद्रीय वैराग्य व्यतिकार वैराग्य व्यतिरिक्त वैराग्य और वशीकार संग्रह वैराग्य अर्थात परम पुरुष कहते हैं परम वैराग्य, इसके बाद पुरुष तत्व को जाने पर संसार से पूरा ईमान हो जाता है। ये जो है वैराग्य के उपाय वहाँ ही बताया हुआ है, यही चीज बार बार विषय में दोष दर्शन करना तमेव उपाय वैराग्य रूपम उपदिशत, मन को चित्त एकाग्र करने के लिए सबसे पहला उपाय है वैराग्य, इसके अपने उपदेश करते हैं दुखम सर्वम अनुस्मृत ज्ञान अभ्यासाखम उपायंतर उपन्यस्यति। पहले क्या चाहिए वैराग्य, दूसरा क्या चाहिए बार 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 श्रवण मनन के माध्यम से संसार के मित्र निश्चय, इसको बोलते हैं ज्ञान अभ्यास, ज्ञान अभ्यासाख्यम ज्ञान अभ्यास वहाँ पे बोले थे ना
तत्चिन्तनं तत्कथनम् अनन्यं तत्प्रबोधनम् एतदेव परं चिन्त्वा ज्ञानाभ्यास विदुर्बुधा, है ना। इस पर कुछ शास्त्र वाक्य को चिंतन, गुरु वाक्य को चिंतन, और फिर तत्कथन आपस में मिलने पर उसके विषय में विचार करना, कथन करना, अनन्यम तत्प्रबोधन एक दृष्टि को उसको लेकर के मन को मतलब वैराग्य को बढ़ाना। एक ही चिंतन, एक ही एक संसार में श्रेष्ठ वस्तु है, इस प्रकार को भाव को मन में रख करके विचार करना, यही दृष्टि को ज्ञानाभ्यास कहा गया है ना। इसमें हमें बोलते हैं कि जो है ज्ञानाभ्यास उपायंतरम, पहले हो गया पिछले पहला लाइन दुखम सर्व मनुस्मृत काम होगा निवर्तित होगा वैराग्य, और ज्ञानाभ्यास क्या अजम सर्व मनुस्मृत ज्ञान जानता हूँ नहीं तो पर ज्ञानाभ्यास है ना। इसलिए हमें बोलते हैं अजम सर्व मनुस्मृत ज्ञानाभ्यास कम उपायंतर सती उपाय पर आगे कहते हैं दोनों चाहिए साथ साथ वैराग्य और बोध, वैराग्य और बोध से मुक्ति का आनंद लिया जा सकता है। अक्षर व्याख्यानात्म आकांक्षा निक्षिपति, श्लोक में आए हुए पदों को व्याख्या करने की इच्छा से उसका विचे के अभिप्राय है आकांक्षा को उठाते हैं आक्षर में कि कौन सा उपाय आकांक्षित आपने बोला उपाय है तो क्या है उपाय आकांक्षा हो गया है ना। कौन सा उपाय की उच्चते तत्र पूर्वार्थ हम व्याकर के, अब श्लोक में दो अर्थ है पूर्वार्ध हो गया दुखम सर्व मनुष्य काम भोगा निवर्त होगा वैराग्य भी अर्थ है, और अजम सर्व मनुष्य का जातक नहीं गति पश्चिम हो गया आपका ज्ञानाभ्यास है ना। इसलिए उपाय को बताते हैं यहाँ पे उच्चते तत्र पूर्वार्थ हम व्या करते श्लोक की आयु पहला आधार आपको व्याकर उच्चते आप भाष्य में आ जाइए सर्व द्वैतम अविद्या विक्षिप्तम दुःखम एव इति अनुस्मृत्य, ठीक है। जितना भी द्वैत प्रपंच है ये अज्ञान की महिमा है, अज्ञान से विक्षिप्तम मतलब अज्ञान इसको ला करके खड़ा करता है, अज्ञान ने इसको दिखा दिया। दो नंबर की विक्षिप्त मतलब प्रत्युपस्थापित अज्ञान के द्वारा हमारे प्रति उपस्थापित हमारे सामने उपस्थापित कर दिया, हमारे सामने उपस्थापित कर दिया। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि सर्व द्वैतम अविद्या विक्षिप्तम समस्त द्वैत प्रपंच अविद्या से प्रति दिखाई देती है। दुख में तो आदि सारा आज तक हमने जितना देखा जीवन का अनुभव में ये दुखदायी होता है, किसी किसी को जन्मान के लिए संस्कार से बचपन से दुख देखने लगता है यानी सारी सुनने नहीं करते, और दुखम एवं इति अनुस्मृत्य सारा बाईस को बार बार मनस मन मतलब मन स्मरण करके स्मृत्य लैप हुआ है तो आप प्रत्यय का होता है। एक ही कर्ता के द्वारा यदि दो क्रिया को क्रम से किया जाता है तो पहले त्वा प्रत्यय होता है तो स्मृत्वा स्मरण करके, परंतु जब उपसर्ग लग जाता है तो त्वा के सामने लैप होता है, लैप होता है, ठीक है ना। तो अनुस्मृत्य अनुस्मृत्य अपल्याप तो अकार हुआ, और यदि वहाँ पे वग मतलब जो वगन है उस धातु में यदि वो शॉर्ट वगन है तो रस से पीति पीति तो हेतु आरम होता है, और यदि दीर्घ है तब वहाँ पे वो वैसे ही रहता है। इसलिए देखो अनुभूय अनुस्मृत्य लैप में केवल यह कहा रहता है तो अनुभूय तद अनुस्मृत्य, क्यों वहाँ पे भू दीर्घ है अश्मी में भी छोटा दीर्घ है, इसलिए यहाँ पे दुख आरम्भ हुआ है अनुस्मृत्य है ना, बार बार स्मरण करके अब तो आपका हो गया और विदर्भ तो प्रक्रिया तो हो गया होगा आपका। अनुस्मृत्य काम भोगात काम निमित्त भोग इच्छा विषय वासनाओं के निमित्त से जो भोग की इच्छा होती है ना, भोग इच्छा विषय तस्मात उस काम भोग की इच्छा से क्या होता है विप्रस्फुट मनो मतलब उसमें फैला हुआ लगा हुआ मन को निबंधे वहाँ से मन को हटाना चाहिए, वहाँ से वचन है काम होगा निमित्तम भोग इच्छा विषय तस्मात है ना, उससे विप्रस्फुट मन उसमें लगा हुआ जो मन है विशेष रूप में प्रवेश किया हुआ जो मन है उस मन को निबंधे हटा लेना चाहिए। कैसे वैराग्य भावना की अर्थ वैराग्य की भावना से विषय भोग इच्छा से विषय चिंतन और भोगी दोनों की इच्छा से मन को हटा लेना चाहिए, मन को हटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, दो नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं काम निमित्त स्वस्मिन स्वस्मिन इष्ट साधनता ज्ञान द्वारा काम जनक है ना, अपने में ये मेरे लिए इष्ट वस्तु का प्राप्त कराने वाला इष्ट साधन है ना, मतलब अविष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। स्वस्मिन इष्ट साधन का ज्ञान अपने भोग वस्तु क्या करता है
भोग्य वस्तु क्या कहता है, तो भोग्य वस्तु में ये मेरे लिए अनुकूल होगा, ये भावना उत्पन्न हमारे मन है। भोग्य वस्तु सामने वो कुछ नहीं कर रहा, हमारी मन उसमें क्या करता, हाँ ये हमारे लिए अनुकूल होगा, ये हाँ ये लेने से हमारा काम बन जाएगा, इस प्रकार भावना कि ध्यान के विषय शोभना बुद्धि होती है। कहते हैं शोभना बुद्धि होते ही लोग क्या करते हैं, ध्यान के विषय अनुपुंस संगत से शुभ हो जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है, बुद्धि नाशा प्रणश्य, यहाँ से क्रांति यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ईश्वस्मिन इष्ट साधना का ज्ञान करा अपने में भोग्य वस्तु, इष्ट साधना का ज्ञान के माध्यम से काम जनक उस भोग्य वस्तु के प्रति भोग लिप्सा हमारे अंदर उत्पन्न कर देते, हो गया काम निमित्त भोग इच्छा विषय। तस्मात विप्रसुतम मन, विप्रसुतम मन अनुरक्तम मन, मन मात्र अनुरंजित हो गया, उसके लाक्षण स्वभाव बुद्धि उत्पन्न, इस प्रकार मन को, इस प्रकार मन को विवर्तये वहाँ से हटा देना चाहिए। इस प्रकार से वैराग्य भाव है, वैराग्य भाव है, देखो भगवान श्री कृष्ण यही संस्पर्श सजा होगा दुख जो नवत अत्यंत वंत पौते नूरमते, ठीक है ना। विषय इंद्रिय संयोग से जो भी कोई भोग उत्पन्न होगा यही संस्पर्श सजा होगा दुख जो नवत, वो दुख के कारण होगा ही होगा। भगवद गीता के श्लोक है, ये वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख जो आद्यंत बंध बनते होते वो आदि अंत वाला है, न ते शुभ न ते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति को उसमें रमन नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमन नहीं कर रहे। यहाँ तक हो गया दोष। देखिए टीका का क्या लिख रहे हैं कि वैराग्य भावना तत्र तत्र द्वैत विषय दोष अनुसंधान वैतृष्ण भावना तया काम भगा मन निरोधव्य टीकाकार एक रहे उसका अभिप्राय को समझा दिया। क्या बोलते हैं, वैराग्य की भावना से ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम भगवत प्राप्त करना चाहते हैं, संसारी सुख प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में नहीं आया, इस भावना के द्वारा वैराग्य भावना वो क्या है वहाँ पे कहाँ पर मिला टीकाकार सब कहाँ से लिया, निर्वर कहे वैराग्य भावनाया, वैराग्य भावना उसका तृतीय एक होती है। वैराग्य भावना क्या वस्तु है उसको एक टीका का, वैराग्य भावना क्या है तत्र तत्र दैत विषय जिस भोग वस्तु के लिए मन चिंतन करते हास्य में नहीं आया, मनो निवर्तये वैराग्य भावना है। वैराग्य भावना क्या है उसको टीका का लिखते हैं, वैराग्य भावना तत्र तत्र दैत विषय दोष अनुसंधान है ना, उस दैत विषय में दोष के अनुसंधान के द्वारा है ना, विषय में दोष अनुसंधान यही वैराग्य उत्पन्न करता है। वैतृष्ण भावना तब क्या हो जाएगा, विगत तृष्णा वितृष्णा, वितृष्णा विगत तृष्णा वितृष्णा और उसके भाव शैप्रत्य वैतृष्णीय कोई वस्तु के रूप में नहीं है, सबसे इस प्रकार वितृष्णा की भावना तया उसके द्वारा काम भोगा है ना, भोग्य वस्तु संबंधित चिंता भोग्य वस्तु की इच्छा इससे मनोनिरोधव्य मन को निरोध कर देना चाहिए, मन को रोकना चाहिए। अर्थ ये पहला रैंक का अर्थ हो गया, ये हो गया आपका वैराग्य भावना। दूसरा में क्या बोला था, ज्ञानाभ्यास, उसको देखो द्वितीयार्थ हम ज्ञानाभ्यास विषय में क्या कर रहे हैं, क्या बोलता है श्लोक के जो सेकेंड हाफ है सेकेंड पार्ट है वो ज्ञानाभ्यास को दिखा रहे हैं। बार बार यही विचार करना है, क्या विचार करना है, जो भी वस्तु दिखाई दे रही प्रकृति मात्र है, उसमें बार बार की कथा नहीं है, क्योंकि जिस अधिष्ठान तत्व के बारे में स्थिति कथन करती है उसमें तो परिणाम होना संभव नहीं है, विवर्त मात्र है अतर्थिक अन्यथा भाव, इसलिए ये प्रकृति मात्र है पारमार्थिक नहीं है, जैसा मरुभूमि को पर पानी की प्रकृति, ऐसे ये वस्तु हमारा कृष्ण को बुझना है। इस प्रकार से द्वितीय अर्थ ज्ञानाभ्यास विषय, तो ज्ञानाभ्यास के विषय बार बार इसके विषय में क्या करती, क्या बोलते हैं अजम सर्व मनुष्य, तो भाष्य का लिखते अजम ब्रह्म सर्व है, जन्म रहित वस्तु वो व्यापक है सर्वम सहिति एक, बस इसी को शास्त्र आचार्य उपदेश है ना, यही शास्त्र के वाक्यों को गुरुमुख से, शास्त्र वाक्यों को गुरुमुख से सुनकर के शास्त्र आचार्य उपदेश हम स्मृत बार 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 स्मरण करके तद विपरीत हम दैत्य जाता नहीं प्रतिपश्य है ना, ये जो है
आचार्य उपदेश बोलते हैं सदैव सम्मेदम आशीन एकम उपहती थे सर्व करे इदम ब्रह्म अपनेदम सर्व अपनेदम सर्व पुरुष एवं इदम विश्व। इस प्रकार बार बार शास्त्र बोलते हैं, उसका विपरीत हमको द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ते हैं। इसलिए द्वैत जातम परमर्ति नहीं है, द्वैत जातम नहीं कभी पश्य। इसलिए द्वैत जो मंत्र ए वैराग्य अभ्यास, देखिए अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध मन निरोध के लिए चाहे किसी भी मार्ग में प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, परंतु यह यहाँ पे पहले वैराग्य को जो भगवान भाष्यकर विवेक जी ने देखना वैराग्य और मोक्ष यही जो है मुक्ति के लिए सबसे बड़ा खंभा है। यहाँ पे बोलते हैं कि तर विपरीत अंग्रेस या तो नहीं हो तो भाष्य को निश्चित उसको नहीं दिखाई देगा। क्यों? अभाव है ना, क्योंकि अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होने पर कल्पित वस्तु का अभाव होता है। अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होने पर कल्पित वस्तु का अभाव हो जाता है। रज्जु सर्प में, सुक्ति रजत में, स्थान पुरुष में ऐसे ही दिखाई दिया, परंतु जो आपका मरुभूमि में जो पानी दिखा तालाब दिखाई पड़ता है उसमें क्या होता है, वो चाक्षिकता तो दिखाई पड़ता है, परंतु वहाँ पे पानी नहीं है, पानी का अभाव निश्चित ही हो जाता है, पानी का अभाव निश्चित। ठीक इसी प्रकार जीवन मुक्त अवस्था में संसार की प्रतीति तो रहती है, केवल अकेले हमारे लिए संसार नहीं है, सारा अज्ञानी के लिए संसार है, इसलिए उसका रह प्रतीति तो रहेगी, पर क्योंकि ये जो वहाँ पे जो चाक्षिक कथा की प्रतीति वो विज्ञान भित्तिक है, वो रहेगी, उसको पर हमारा हाथ नहीं गया। मतलब हमारा कहाँ पे हाथ है, उसमें मैंने सत्यक तो बुद्धि कर लिया था, सोचा था ये मेरा प्यार बुझा दो, कुछ उतना ही सोचा बुद्धि ज्ञानाभ्यास यही ज्ञानाभ्यास नहीं बतु पश्चिम उसका अभाव होता है। इस प्रकार से आपका उपाय को बता दिया, कैसे मन को निरोध करना चाहिए। ये हो गया बहिरंग साधन, अब अंतरंग को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने ऐसा विचार करके वैराग्य ज्ञानाभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को निरोध करके अब अपने अभिष्ट मतलब आत्मा में लगाने का कोशिश करें, परंतु अभी भी मन इतना आसान नहीं है कि आपका बस में आ जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे आप मन को इधर उधर से इकट्ठा करके एक जगह पर लाने का कोशिश किया, थोड़ी देर में बड़ा ही चुप बैठना, चुपचाप करना, कुछ नहीं करना, बोला ठीक है कोई बात नहीं, चुप हो जाएगा। जब ऐसा सोचता है तब क्या करना पड़ेगा, उसको फिर जगाना पड़ेगा। अब फिर जब आप जगाएंगे, जगते हो फिर जो है अब तुम्हें और ताज़ा हो गया, सो गया, हम फिर भागने लगे, फिर उसको पता चला ऐसा कुछ दिन तक चलना है। आप ऐसे चलने के बाद फिर जो है मन को अच्छा मेरे को जो है तुम सोने भी नहीं दोगे और विषय भी भोग करने नहीं दोगे, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं, तब आत्मचिंतन विचार भी नहीं करने देगा, विचार भी नहीं करने देगा, इधर उधर इधर उधर कुछ देर पर उधर तीनों स्थिति से बचने से बाद मन स्थिर होता है, उसको कहने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाभ्यास टीका था, ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम लयात विक्षेपाच मनो राग प्रतिबद्धम श्रवण मनन निधि ध्यास अभ्यास प्रसिद्ध संप्रज्ञात समाधिना असंप्रज्ञात समाधि पर्यंतेन तत्वपि प्रतिबंधा व्यावर्तनीय इति आह। ये देखिए टीकाकार बहुत सावधानी बोल रहे हैं आपको, क्या बोला, दो चीज बोला, पहले ज्ञानाभ्यास और वैराग्याभ्यास है ना, वैराग्य से भी ज्ञानाभ्यास होता है, ज्ञानाभ्यास से वैराग्य बढ़ता है ना, इसलिए ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्यास और वैराग्य के द्वारा तद निरोध लयात विक्षेपाच। अब जो क्या हो गया, अब ज्ञानाभ्यास करते करते मन कभी लय हो जाएगा, कभी विक्षिप्त भी होगा, इसलिए लयात विक्षेपाच मनो उस मन को, मन कैसा है, राग प्रतिबद्ध संसार के प्रति आसक्ति के तरह बंधा हुआ, प्रतिबंधित है उससे वो मन, उसको क्या करना पड़ता है, श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास प्रसुतम, श्रवण मनन निधिध्यासन के अभ्यास से प्रतिष्ठित रूप से उत्पन्न होता है क्या, संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या है कि आपका भीतर के विचार आनंद अस्मित रूप रूप अनुगमान संप्रज्ञात। आप इसको जैसे वितर्क विचार मतलब स्थूल वस्तु संबंधित आपने लिया, उसको विचार किया, उस शब्द अर्थ को लेकर के विचार कर लिया, फिर उसके बाद जो है सूक्ष्म वस्तु शब्द का तात्पर्य क्या छुपा हुआ है, इस विचार करते करते मैं वेदांतिक शब्द को बोलना जो आप बस करके वो प्रकृति के एक एक स्टेप को लेकर विचार करते हैं, हम उधर निधि जहाँ पे बोलते हैं श्रवण मनन निधि ध्यास पशु, श्रवण मनन निधि ध्यास से आपको क्या हो जाएगा, सूची बातों को आपने सुना,
सुखदेव बापू को सुनने के बाद उस बापू को लेकर के विचार किया। विचार करने के बाद उसको तात्पर्य उसका तात्पर्य उसको विचार करके मनन करते हैं। उसको स्मरण करते करते नहीं सुखी ने यहाँ पे ऐसा ही कहा, इसका अर्थ होना चाहिए, ऐसे निश्चय करते हैं। तो श्रवण मनन देवी दर्शन कर जब निश्चय करते हैं तो मन कुछ देर तक मन रहेगा गल रहेगा, उसे आनंद भी होगी, आनंद और अस्मिता यहाँ पे आकर के एक हो जाएगा। जैसे श्रुति के द्वारा कहे हुए वस्तु की तात्पर्य आपको समझ में आने लग जाएगा तो आप अपने यहाँ पे आंखें को आपके बाद इसके बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं, मतलब इसका विषय मैं ही हूँ, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। सेकेंड फिर क्या होता है, अब फिर उस आनंद को मैं देखने वाला हूँ, यह अस्मिता, ठीक है ना, उस आप इस भाव में मन आएगा। संप्रज्ञ का समाज, यह संप्रज्ञ का समाज मतलब श्रुति बापू को समझने का प्रचुर मेरा स्वरूप ऐसा ये जब धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगता है वो आनंद कुछ आनंद होता है। शास्त्र में मेरे सभी व्यक्ति को अपना गुणगान कौन नहीं पसंद करता, अपना स्तुति कौन नहीं पसंद करता, बताओ। शास्त्र ने ऋषियों ने ऐसा स्तुति किया हमारे लिए, तू इतना प्रसन्न है, तू व्यापक है, तू पूर्ण है, तू नित्य शुद्ध रूप में मुक्त है, इस समझ में आने से लगता है अनुभूति नहीं हुआ अभी आनंद। उस आनंद के फलस्वरूप आप उस आनंद को कौन समझते हैं, मैं समझता हूँ। अब धीरे धीरे उस आनंद को छोड़कर के समझने वाला कौन है, उधर पूरा दृष्टि कर विषय रूप में आएगा आपके सामने, विषय रूप में आएगा और समझने वाला कौन है, क्योंकि संप्रज्ञान समय। आप धीरे धीरे ऐसा कुछ दिन अभ्यास करते करते ना वो मैं बल समझने वाला कौन है, धीरे 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 उसके अस्तित्व समझ में आनंद आनंद तो भीतर के विचार उसमें नहीं जाता, सीधा सीधा जो है समझने वाला कौन है, विज्ञान का कौन है, मैं विज्ञान को विज्ञान देखते बड़ी लोगों को विद्या का विनाश होता इसको लेकर के वो कौन है वो विचार करते हैं। इसलिए बोलते हैं संप्रकार असंप्रकार समझ विराम प्रत्यय अभाषिक संस्कार से विराम प्रत्यय मतलब इस प्रकार जो भीतर के विचार इसको लेकर का विचार करते हैं ना उसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद संस्कार शेष मतलब क्या हो जाएगा, अपने अस्तित्व संबंधित जब चिंतन कर रहे थे उसका जो संस्कार को रह जाता है उसमें मन उसमें मन यदि स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसलिए वहाँ पे योग दर्शन में तो वहाँ पे क्या बोलते हैं शांत होने जब प्रकृति के ऊपर बताया एक एक प्रकृति को चीज को लेकर तो वहाँ पे संयम बताया पंच भूत पंच तन्मात्रा फिर उसके बाद उस तन्मात्रा के साक्षी के रूप में तो आनंद फिर उस अस्मिता इस प्रकार से परम से पिछाया हम यहाँ पे भूत और तन्मात्रा शब्द तो नहीं है ठीक है पहले कोई वस्तु वस्तु को ले सकते तो हम श्रुति बापू को लेकर के विचार करते करते उस आनंद अस्मिता का करके उसका संस्कार शेष मतलब इस ज्ञान स्वरूप उसको लेकर के विचार करते करते हम असंप्रज्ञात समय में पहुँच सकते। श्री श्रवण महि देखिए यहाँ पे वेदांतिक समाधि वेदांत योग दर्शन की प्रक्रिया को वेदांतिक माध्यम से उसमें श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास प्रसुत ये देखिए श्रवण मनन निधिध्यासन के अभ्यास से प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होता है प्रसुत क्या होता है संप्रज्ञात समाधि मतलब संप्रज्ञात स्थूल वस्तु के ऊपर मन को रखना ठीक है शब्द को लेकर के विचार करना नो प्रॉब्लम। इसके लिए एक योग दर्शन है यथा अभिमतम ध्यानाद्वा एक सूत्र जो मन पे करने के लिए एक सूत्र से आता है कोई भी आपके जीवन की कोई घटना जो आपको अच्छा लगता है उसको पकड़ करके लंबा समय तक मन को एक ही विषय में रखने का अभ्यास है लंबा समय तक मन को एक ही विषय में रखने का अभ्यास है ये हो जाएगा आपका संप्रज्ञात समाधि। आप इस संप्रज्ञात समाधि से जो आपके आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद का अनुभव करने वाला कौन है कैसे आनंद की अनुभूति हुई उधर मन को दीजिए तो आप अस्मिता तक पहुँचे मत अपने अस्तित्व तक पहुँचे। अब अस्मिता में क्या था दृग दृश्य मतलब मन और पुरुष और प्रकृति को मिला दिया था पुरुष मन और चेतन को मिला दिया था अब क्या हो जाएगा चिंतन करना तो चेतन बिना कोई अनुभव तो चेतन करते हैं जड़ नहीं कर सकते शास्त्र बोलते हैं भक्ति जड़ है तो ये चिंतन समझने वाला व्यक्ति को चेतन करता है यहाँ पर आपका असंप्रज्ञ समाधि मानव चेतन विषय कुछ दिन तक विषय मतलब फिर अपने आप जो है अपना अनुभव में रखते हैं। इसलिए आप बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत ना तथापि प्रतिबंध परंतु ये जो असंप्रज्ञात समाधि है वह आपके सामने विषय रूप में आ रहा है उसके आनंद आपको मिलना है इससे भी मन को उठाना है इससे भी मन को उठाना है। इसलिए बोलते हैं तथापि प्रतिबंधा जो है या भाई यह प्रतिबंध तो आत्म साक्षात्कार में ये भी प्रतिबंध होता है आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंध बनता है व्यवर्तनीय उससे भी मन को हटाना चाहिए उससे भी मन को हटाना चाहिए कि समाधि सुख से भी मन को उठाना चाहिए क्योंकि समाधि सुख भी विषयात्मक सुख है।
इस प्रकार के अगला स्टॉप हो गया। ये तो हमेशा ध्यान रखना स्टॉप है, ये क्योंकि हम साधन के लिए मान लो मधुसूदन सरस्वती यही से सारा उद्धृत किया, मधुसूदन से सारा यहाँ से उद्धृत किया इस प्रक्रिया में। लय संबोधय चित्तम, लय संबोधय चित्तम, विक्षिप्तं समयेत् पुनः, विक्षिप्तं समयेत् पुनः, सकाशायं विजानीयात्, सकाशायं विजानीयात्, समं प्राप्तं न चालयेत्, समं प्राप्तं न चालयेत्, लये संबोधये चित्तं, विक्षिप्तं समयेत् पुनः, सकाशायं विजानीया, समं प्राप्तं न चालये। इस समय मन को आपने विषय से उठाने का अभ्यास किया तो मन पहले क्या काम करेगा, सोने। जब समय सो जाता है, लय है ना, मन समय लय प्राप्त करते हैं। लय मतलब वैराग्य भावना और तत्व दर्शन अभ्यास विषय से निवर्तमान चित्त वैराग्य भावना और तत्व दर्शन के माध्यम से विषय से जब आप मन को थोड़ा थोड़ा उठाने में समर्थ बन जाएंगे तो मन क्या करेगा, सुने लगेगा। लय फिर का क्या करना पड़ेगा आपको, उसको जगाना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा। कौन जगाएगा उसको, बुद्धि है ना, मन को देख लेना है बुद्धि, पूरा बुद्धि को जरा उसको जाना है। हम ये ऐसे सोच लेते निश्चय पर, भाई हम ये चिंतन करने के लिए बैठा था, निश्चय कैसे गए बुद्धि पर, बुद्धि पर। इसलिए महाराज भी बोलते हैं लय संबोध है चित्त, मन तो आपने उठाया, जैसे ही आप उठाएंगे इतना सो खा पी के थोड़ा सो का आराम मिल गया ना आपको, फिर विषय करो दौड़ेगा, फिर विषय करो दौड़ेगा, तो फिर विक्षिप्त है ना, भोग के प्रति इच्छा के प्रति इधर उधर दौड़ने लगता है। समय पुनः, लेकिन पुनः शब्द प्रयोग किया, पुनः मतलब एक बार में होने वाला नहीं है, रिपीटेडली आपको प्रैक्टिस इट। लय संबोध है चित्तम, विक्षिप्त समय, जब विषय चिंतन में मन विकसित है फिर उसको एकत्रित करके उसे अपने विषय वस्तु में लाओ, अपने विषय वस्तु में लाओ, आत्मचिंतन वेदांत चिंतन हम फिर लाओ। परंतु मन मानेगा नहीं इस समय, मन की क्या इच्छा है, जिसे मैं कई बार दृष्टांत दिया, बच्चा को इच्छा है खेलना और माँ चाहता है कि पढ़े, तो बच्चा क्या करता है कि पुस्तक तो सामने खुला रहेगा, सोएगा भी नहीं पढ़ेगा भी नहीं। आजकल तो एक सुविधा और है, हम लोगों के समय पर ये नहीं, आजकल तो एक सुविधा क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर मिल गया, लैपटॉप मिल गया, मोबाइल मिल गया, तो शुरू करता नहीं था। तो यहाँ पे बोलते हैं ये सकाशायम विद्यालय, मतलब वो सो भी नहीं रहा है और अपने इष्ट चिंतन अभिष्ट चिंतन भी नहीं कर रहा है, ऐसा है भाव में मन बैठ रहा है ना, उसको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। सकाशायम विजानिया मतलब वो सोया भी नहीं है, जगा भी नहीं है, तो जानेगा कौन, बुद्धि, बुद्धि उसको जानेगा, साक्षी प्रकाश करेगा उसको, अरे अंत कुछ देर तक उसको ऐसे रहने देते, फिर उसको जो है आत्मचिंतन मतलब आप उसको आप दर्शन करता पूर्णता व्यापकता की भावना में समय प्राप्त, फिर ऐसा करते करते मन जब ना लय प्राप्त करता है ना सोता है और ना जो कुछ नहीं ये भाग भी नहीं बस अपना विषय वस्तु में लगा रहते हैं, समता के भाव को प्राप्त करते हैं, तब उसको फिर दोबारा विचलन होने मत दो, दोबारा ये साधन कर लूँ वो साधन कर ये कर जो नहीं कुछ उसमें कुछ अगर के रूप जाते हैं। ये हो गया हमारी प्रक्रिया, यहाँ पे लय संबोधन समय होगा क्योंकि टिप्पणी लंबा है, अच्छा टिप्पणी है, बहुत अच्छा टिप्पणी, लय संबोधन इसको कर ले, क्योंकि आज इसको ये मतलब इस टिप्पणी को कर देते हैं क्योंकि इसके बाद लंबा छुट्टी होगा ना, तो फिर जो है वो कंटिन्यू नहीं चला जाएगा। ये मेन चीज है, एक एवं वैराग्य भावना तत्व दर्शनाभ्यम विषय निवर्तमान चित्त, इस प्रकार से पहला क्या वैराग्य भावना, कैसे दुखम सर्व मनुष्य मित्र और ज्ञानाभ्यास केवल अदम सर्व मनुष्य मित्र, ज्ञानाभ्यास अभ्यास विषय निवर्त्यमान विषय से हटाई लिया गया जिस मन को चिंतम, लेकिन चित्त को बोल रहे हैं मतलब संस्कार का बोल गया। यदि दैनंदिन लय अभ्यास बसा लय अभिमुखम भवे, रोज हमको सोने का अभ्यास है ना, वो दैनंदिन लय अभ्यास ये चीज आज तक मन को हमने ऐसे अभ्यस्त किया, बच्चों का हमने ऐसे ट्रेंड किया
क्या ट्रेन के आए, सो जाओ सो जाओ। बच्चों को तो कभी नहीं बोला कि सोने से पहले चलो भगवान की चिंतन करो, भक्ति हो जाने का थोड़ा सब समय का मन कोई गाना गाना सुना भी चला देगा उसको, उससे मन है भी छुटे लोग। इसीलिए आगे बोलते हैं दैनंदिन लय अभ्यास, रोज का जो लय प्राप्त करने का अभ्यास है, लय विमुखम भवे, लय की तरह गाने लगते हैं, तदा उस समय निद्रा शेष जीर्ण बहुवसन श्रमाना लय कारणाना निरोधे न चित्तम शंक प्रबोध है, है ना, स्थान प्रयत्न उत्तम प्रबोध है उत्थान प्रयत्न है ना। इतिहास यहाँ पे देखिए क्यों हमारा निद्रा आ जाता है मन को, क्या है मृत्यु बोला वहाँ में देखिए, एक तो पूरा निद्रा नहीं, निद्रा शेष पूरा निद्रा नहीं होता इसीलिए बैठ पीछे नहीं जाते। दूसरा क्या बोला अजीर्ण भूमसन, खाना बहुत खा लिया तो पचा नहीं खाना, वो निद्रा खड़े जो है। थर्ड क्या हुआ अधिक मेहनत कर लिया, इन लोगों की दृष्टि देखिए तीनों चीज की निद्रा क्यों आ रहा है, निद्रा इसलिए आ रहा है कि हमारा निद्रा पूरी नहीं हुई। दूसरा क्या है कि बहुत खाना खा लिया पचा नहीं, शरीर को ढीला कर दिया अथवा बहुत अधिक परिश्रम कर लिया, वो भी जो है निद्रा के लिए करके तीनों से उठा करके तदा निद्रा शेष अजीर्ण बहुअसन स्तमाना लय, ये सब लय का कारण है, निरोध है ना, निरोध के द्वारा चिंतन चित्त को सम्यक प्रबोध है सम्यक रूप से। मतलब देखिए एक दिन में नहीं होगा, आपका भोजन की लिमिटेशन, कर्म की लिमिटेशन और फिर जो है निद्रा की लिमिटेशन, इतना सोने से नहीं देखा कुछ दिन मैं देखा शो करके अभी चार घंटे के सोने से इतना होता है ठीक है मैं आधा घंटा बढ़ा देता हूँ, यदि निद्रा आए तो ठीक है उसको पूरा करके बीच में नहीं खेलना। इस प्रकार से यदि निद्रा कोई तीनों चीज़ को जब मिल जाएगा तब सम्मत प्रबोध उत्थान न प्रयत्न प्रबोधन मतलब उत्थान प्रयत्न उसको जगाने की प्रयास करें, उसको सोने मत दो। कोई मन को यदि आप मान लीजिए सो रहा है उसको जगाना है तो आपको जो वस्तु मन को अच्छा लगता है विषय चिंतन कर ऐसा कोई अवलंबन दे, कोई श्लोक अपने याद किया चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, कोई बात नहीं मनुष्य को हम की सूक्ष्म को पकड़ नहीं पाए शब्दार्थ को पकड़ लिया उसको लेकर जीता शुरू कर मन क्योंकि आपको अच्छा लगता है वो चीज़ तो अच्छा चीज़ लगता है। यदि पुनर्व प्रबुद्ध मानव दैनंदिन प्रबोध अभ्यास भाषा काम भोग और विक्षिप्त अवसर, अब रोज हमारा जग करके काम भोग के प्रति मन जाना चाहिए इसके अभ्यास की जैसी जगह फिर जो विषय को दौड़ने लग, यदि ऐसा होता है तो क्या रहता है अभ्यास बचा काम भोग और विक्षिप्त से तदा वैराग्य भाव बना उस समय तुरंत हमारे मन इतना दिन तक इधर उधर को क्या मिला दुखी तो मिला कौन भोग को तुम्हारा साथ रहा कौन तुम्हारा साथ दिया, इस प्रकार वैराग्य भावना के द्वारा तत्व साक्षात्कार समय वास्तविक सत्य तो भगवान ही है वास्तविक सत्य तुम्हारा स्वरूप है, इस प्रकार से क्या करना चाहिए उसको संयमित करना चाहिए। एवं पुनर्भ्यस्त लया संबोधित विषयभ्य व्यवर्तित है ना, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, एक बार नहीं होगा, लय के समय साधन के समय लय प्राप्त करते उसको जगाओ अल्पक्त है फिर अपना अभिष्ट वस्तु में लाओ, इस प्रकार से पुनर्पुनः अभ्यास लया संबोधित विषयभ्य व्यवर्तित ना कि समम प्राप्त अंतराल अवस्था, आप क्या है वो समभाव को प्राप्त नहीं किया अंतराल अवस्था में रहेगी, आप सोचेंगे ये तो ठीक हो गया आप तो बहुत ये ठीक नहीं है कि वो अपनी इष्ट चिंतन नहीं करना, इसलिए हमें बोलता है अंतराल अवस्था में चिंतन स्तब्धीभूतम स्तब्ध को भाग तो सकाशाय होते हैं उसको भी ठीक से सुना राग द्वेषादि प्रबल वासना वशेन स्तब्धि भावाख्य न सकाशायन युक्त विज्ञानी, क्योंकि आपका जो है विषय के प्रति राग था अथवा वहाँ से मतलब पढ़ाई लिखाई के प्रति देश है इसलिए विषय की राग और जिसको मम्मी करने के लिए बोलते उसके प्रति देश है, इस दोनों के बीच में आकर के मन एक स्तब्धि भाव को प्राप्त करता है, है ना, इसलिए बोलते राग द्वेषादि प्रबल वासना वशेन, है ना, एक हो गया जिसको मैं चाहता हूँ उसके प्रति राग और जो हमारे गार्जियन करने के लिए गुरु जो करने के लिए उसके प्रति देश है पहला प्रश्न है, इसकी प्रबल वासना वासना स्तब्धि भाव आपके ना स्वकशन युक्त इसको भी ठीक से समझना चाहिए। ततश्च नैतम समाहितम इति अवगत्य, इसलिए ये भी समाधि नहीं है ये भी आत्म साक्षात्कार नहीं है, इसको ठीक से समझ करके लय विक्षेपाभ्याम इव स्वकषायतम चित्तम निरुद्धा, है ना, जिस प्रकार लय से चित्त को निरोध करते हैं विक्षेप से चित्त को निरोध करते हैं इस प्रकार स्वकषाय भाव से भी मन को उठाना पड़ेगा, स्वकषाय भाव से मन को उठाना पड़ता है। ततश्च लय विक्षेप कषायेषु परिणतिशु, तीन चीज हो गया आपका लय से भी उठाया विक्षेप से भी हटाया और कषाय भाव से भी हटा दिया, परिणतेशु परिशेषा चित्तेन समम ब्रह्म आपके चित्त द्वारा
ब्रह्म की क्षमता दिखा व्यापक अंतर्गत उसको चित्त प्राप्त कराया जाते हैं। तच सम प्राप्त चित्तम लय कषाय भ्रांता न चालय। इस प्रकार जब चित्त जब समभाव को प्राप्त किया उस समय गलत न समझना है ना, तब उसको फिर दोबारा चालित मत करना, उसको हम बैठे नहीं पूर्णता की व्यापकता की आनंद उसमें उसको चालय। विषय एवं मुखम ना कोर्या, विषय एवं मुख नहीं करना चाहिए, किंतु धृति विहितया बुद्धा लय कषाय प्राप्त वेच पूर्व बुद्धि के द्वारा लय कषाय प्राप्त विविच लय भाव असकषाय भाव से अलग करके तस्याम एव सम प्राप्त उचित या समता को प्राप्त करे अति प्रयत्न न स्थापये। यह आसानी से नहीं होता, आत्मा में अलग करके फिर दूसरे किसी विषय में चिंतन मत है ना, चिंतन अपि तथैव ये साधन भी ऐसे ही है। अत्र सर्वत्र निद्रा एव लय वाच्यम इति प्रथम, यहाँ पे निद्रा लय शब्द है निद्रा को कहना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए ठीक है। दोबारा करेंगे इसको, यही जगह पूरा खोल कर के बता दिया हम होता क्या है मन के साथ, या क्या स्थिति हो गया साधन का समय मन की स्थिति को लेकर के अपने आप विवरण हो गए। वो आज जो लास्ट वाला हुआ तत्पादौ पावनीयौ भवभय विनदौ सर्वपादैः नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुणरात्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक मिनट, ये जो काल अमावस्या है और परसों से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो इस नवरात्र के लिए नौ दिन जो है हम लोग पाठ बंद करते हैं, तो फिर पाठ शुरू होगा 5 तारीख को दशमी के दिन। 5 तारीख दशमी है ना, नवरात्रि के 9 दिन जो है सब हमारे ब्रह्मचारी लोग जब कुछ खसारी कुछ कुछ व्रत रखते हैं, तो इस निमित्त से ये कल से लेकर के और 4 तारीख तक, 3 तारीख अष्टमी है और 4 तारीख नवमी है, 5 तारीख दशमी है, फिर दशमी के दिन से बात शुरू होगी। ठीक है, नमस्कार।